हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं होममेड चिकन सूप। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इनमें लगते हैं। वेजिटेबल्स और चिकन मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका, चिकन और काफ़ी सारे मतलब कुछ भी वेजिटेबल्स आप इसमें डाल सकते हैं। कोई ऑनियन हो, ऑनियन, गार्लिक, टमाटर, कैप्सिकम, ये सब मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और बाकी आप कोई भी वेजिटेबल इनमें डाल सकते हैं, जैसे कि कैरेट, कैबेज और बीन्स भी डाल सकते हैं आप। और ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है, बच्चों को ये बहुत पसंद है। मेरे बेटे को ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज हम कुछ आसान सा आपको स्टेप्स दिखाएंगे, आप वो करके आप बना लीजिए, घर में ही बना लीजिए, बहुत टेस्टी रहेगा ये। तो मैं जो फर्स्ट जो इन्ग्रीडियंट्स इसमें लगते हैं वो आपको मैं दिखाऊँगी इस वीडियो में। उसके बाद इसका रेसिपी, फुल रेसिपी मेरे वीडियो में है, आप एंड तक देखिए। और अगर घर में बनाइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। ओके, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चिकन। मैंने यहाँ पे 4 पीस चिकन लिए हैं, जो करीबन 150 ग्राम होगा। और एक ऑनियन लिए है, चॉप्ड ऑनियन। उसके बाद मैंने लिए है टमाटर, एक टमाटर लिया है मैंने, चॉप्ड टमाटर। और उसके कैप्सिकम लिया है, एक बड़ा कैप्सिकम। साइज सबका सेम ही रहेगा, चॉप्ड ऐसे करना है। और उसके बाद मैंने लिया है कैबेज, एक कप कैबेज बारीक कटा हुआ। और बीन्स लिया है भाई, एक कप बीन्स आप लेंगे। अभी हम 7-8 पीस गार्लिक लेंगे और एक अंडा लेंगे। फिर हम लेंगे आधा कप कॉर्नफ्लावर। मैंने लिया है बटर, बटर मैंने ज़्यादा यहाँ दिखा रही हूँ, लेकिन इसका जो मेजरमेंट है बाद में दिखाऊंगी। नमक स्वाद अनुसार और पेपर, पेपर लिया है, काली मिर्च। अभी मैंने कुकर में सारा जो इंग्रेडिएंट्स है मेरा वो सब एक साथ डाल देना है, चिकन, फिर ऑनियन, फिर गार्लिक, और फिर जो वेजिटेबल सारे हैं। आप इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट्स, जैसे कि आपका स्वीट कॉर्न भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस करके अच्छा लगेगा। जितना भी आप वेजिटेबल्स डालेंगे अच्छा ही रहेगा। और अगर जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप ये वेज सूप भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। या फिर आप चिकन की जगह पे आप सोया नग चंक्स भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा हाई प्रोटीन का है, वो आप डाल सकते हैं। जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए वो भी काफ़ी अच्छा है और हेल्दी भी है। तो अब सारा वेजिटेबल्स हमने इनमें डाल देना है, इसको बॉईल करना है, फिर पूरा वेजिटेबल और चिकन लेके पूरा बॉईल करना है इसको। ये बच्चे भी खा सकते हैं आराम से, क्योंकि मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली है। तो अगर आपको सूप थोड़ा तीखा खाना है तो आप एक इसमें हरी मिर्च बॉईल करने के टाइम में डाल सकते हैं, नो इशू। अभी मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी, उसका मेजरमेंट मैं दिखा रही हूँ, कप मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए कप। बाद में भी आप ये, मैंने 2 कप डाला है, और बाद में भी अगर इसकी कंसिस्टेंसी देख के मुझे इसमें पानी ऐड करना है कि नहीं करना है, मैं तब बता दूंगी। जो थिकनेस है वो मैं तब बता दूंगी। अभी मैंने नमक डाला है। दोस्तों याद रखिए, अगर आप पहले नमक डाल रहे हैं तो बाद में अगर नमक देते समय आप थोड़ा उसको टेस्ट कर लीजिएगा। अभी मैंने इसको गैस ऑन किया और कुकर को सीटी देने के लिए रख दिया। इसको सीटी आप 4-5 सीटी, जितना सीटी हो सके आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बॉईल ही करना है आखिर में, और इसको स्मैश भी करना है हमको। तो बॉयल ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पानी का जो मेजरमेंट है वो सही होना चाहिए, नहीं तो जल सकता है।
अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, अभी इसको ठंडा होने के लिए रखना है, क्योंकि ये अपने हाथों से या किसी चम्मच से स्मैश करना है, तो आपको इसको ठंडा करना है। अगर आप ध्यान रखिए, अगर आप हाथ से करेंगे, मैं तो अभी गर्म है इसलिए मैं इसके स्पून से कर रही हूँ, अगर आपको हाथों से करना है, अच्छे से हाथों से बहुत अच्छे से होता है, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा हाइजीन मेंटेन कीजिए और थोड़ा हाथ साफ करके फिर आप हाथों से स्मैश कीजिए। ओके, इसको अच्छे से कर सकते हैं। और इसको आप जो स्मैश जो करना है, आप पूरा स्मैश कर सकते हैं, पूरा ये घुल जाएगा तब तक, या फिर आप थोड़ा वेजिटेबल्स या फिर थोड़ा चिकन थोड़ा थोड़ा रहे ऐसा भी स्मैश कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अगर पूरा मतलब आपको घोल देना है तो आप इसमें पूरा स्मैश करके बाकी आप स्ट्रेनर से स्ट्रेन भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये थोड़ा मुंह में लगता है तो अच्छा लगता है हम लोगों को। और ये आप इसमें हड्डी वाला बोन वाला पीस भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जिलेटिन रहता है वो सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो आपको जैसे पसंद हो सूप वो आप वैसे बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा स्मैश करूंगी, लेकिन एकदम स्टेन नहीं करूंगी मैं उसको। हो गया स्मैश, अभी मैं एक पैन ले रही हूँ, कढ़ाई लेके उसमें मुझे पहले बटर डालना है। तो तब मैंने बताया था दोस्तों कि बटर का जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बटर मैं अभी डाल रही हूँ 1 चम्मच, अभी 1 चम्मच डाल रही हूँ, बाद में भी मुझे बटर डालना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसको मेल्ट होना है, थोड़ी देर इसको मेल्ट होने के लिए रखेंगे। ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है मेल्ट, तो अभी मुझे वो सारा जो सूप का बॉइल्ड है स्मैश्ड वो मुझे इसमें डाल देना है, अच्छे से डाल देना है। डाल दिया मैंने, अभी देखिए अभी मुझे इसमें पानी भी डालना है, क्योंकि वो मैंने बताया ना थिकनेस कंसिस्टेंसी आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कैसा कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अभी मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी, एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अभी मैं देखिए कितना पानी डाल रही हूँ, मैं थोड़ा ही डालूंगी, मैं इसमें आधा कप, अब मान लीजिए आधा कप, अभी मैं बॉटल से डालूंगी तो उसका ऑलमोस्ट आधा कप मैंने डाला है। अभी इसको अच्छे से मिलाना है पूरी तरह से। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जो वेजिटेबल्स हैं जब मैंने बॉईल करने के लिए दिया तो तब मैंने थोड़ा नमक डाला था इसमें, तो इसीलिए अभी चख के टेस्ट करके आप नमक डालिए, क्योंकि ज्यादा हो जाए तो आप नहीं खा सकते। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, जैसा चाहे वैसे खा सकते हैं। मैं तो राइस के साथ भी खा लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। अभी मैंने नमक डाला है, इसके बाद मैं थोड़ी बॉईल होने के लिए रखना है, तब तक मुझे एक कॉर्नफ्लावर जो मैंने दिखाया था आधा कप कॉर्नफ्लावर उसका थोड़ा घोल बनाना है मुझे। तो आप उसका थोड़ा जो थिकनेस है वो आप देख लीजिए कि कितना पानी में उसका घोल बनाना है, क्योंकि ये जब जब तक ये थोड़ा बहुत बॉयल होगा तब उसके बाद मुझे ये घोल डालना है इसमें। देखिए दोस्तों मैं पानी डाल रही हूँ, इसको अभी चम्मच से घोलना है, अच्छे से घोलना है, थोड़ा लंप रह जाए तो सूप के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद देखिए ये तब तक बॉयल हो चुका है, देख लीजिए इसमें बबल आ रहा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा बबल आ रहा है, तो ये जब कम बबल आएगा तब आपको इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है। इसके बाद मैं बताऊंगी, मैंने फिर से एक बार मिला लिया है इसको अच्छे से, अभी मैं इसमें कॉर्नफ्लावर का जो घोल है ये मैं इसमें डाल दूंगी। ऑलमोस्ट आ चुका है उबल इसमें, देखिए दोस्तों ये आ चुका है, अभी मैं इसमें घोल डाल रही हूँ। देखिए मैंने पूरा घोल डाल दिया, अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है, देखिए इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। उसके बाद आप चख कर इसमें नमक भी डाल सकते हैं, मेरा ऑलमोस्ट नमक का हो चुका है, तो आप वो टेस्ट करके कीजिए। देखिए कलर भी कितने अच्छे से आ गया, बहुत अच्छा कलर भी आता है इसमें, तो
एकदम रेस्टोरेंट जैसा इसका स्वाद आएगा। अभी मैंने इसमें थोड़ा काली मिर्च डाल दी है, पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। ओके, थोड़ा थोड़ा, ये भी थोड़ा अभी डाली हूँ मैंने, डाला मैंने, बाद में अगर आप चाहे तो सर्व करने के बाद भी डाल सकते हैं एक साथ। अभी डाला मैंने, और अब अगर आप चाहे तो इसको आप एक साथ में एंड में भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहे तो इसमें कॉर्न भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है, स्वीट कॉर्न वो अच्छा लगता है। अभी देखिए उबल अच्छे से आ गया, तो मैं अभी एक डाल रही हूँ। अभी एक डालते समय आपको एक कैची से इसको मिक्स करना है, घोलना है अच्छे से, तो उसका एक का जो ये रहता है वो आ जाता है। देखिए कलर भी देखिए कितना अच्छे से आ गया, खाने में भी बहुत अच्छा आता है। मैं सबको बताऊंगी, जो जो देख रहे हो वो आप घर में बनाइए, सबको खिलाइए, बहुत अच्छा लगेगा सबको। मैं तो काफी बनाती हूँ बहुत ही, क्योंकि मेरे बेटे को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये तो स्मेल से इसको पता चल जाता है कि सूप बन रहा है, तो बहुत खुश हो जाता है। देखिए अभी उबल आ चुका है, ऑलमोस्ट डन है मेरा, बहुत ही आसान है। देखा आपने, मैंने अभी भी थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि थिकनेस देखिए हमको कैसा चाहिए। आपको जैसा थिकनेस चाहिए आप वैसा कर सकते हो, वो भी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा वाला अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पानी भी उस हिसाब से दिया है। अभी मैंने थोड़ा काली मिर्च डाला है, ये देखिए उबल आ चुका है, अभी सर्व करना है। अगर आप गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ये थोड़ा बटर दिया है मैंने एंड में, बटर का स्वाद भी इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। ये तो ऑलमोस्ट डन है, अभी इसको सर्व करना है। अब गर्मा गर्म सबको देना है, परोसना है। आई होप कि सबको अच्छा लगे। सबसे पहले मुझे अपने बेटे को दिखाना है, खिलाना है। तो अगर सर्व करते टाइम भी आप बटर को मिला सकते हो, भी अच्छा लगता है। अभी मैंने एक बोल लिया है, इसमें भी धीरे से इसको सर्व करना है। ध्यान रहे बहुत गर्म है। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगे, आप बनाइए और भी अच्छा लगेगा। बनाकर मुझे बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कैसा लगा आपको। देखिए अभी मैं थोड़ा काली मिर्च डालूंगी, ऊपर से बटर भी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा बटर वाला चाहिए तो। देखिए दिखने में भी एकदम रेस्टोरेंट जैसे लग रहा है, और खाने में भी बहुत ही अच्छा, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। मैंने पहले भी बताया नॉन वेज है, अगर वेज भी रहेगा तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा वेजिटेबल्स रहेंगे। और सोया नगेट्स डालिए तो भी प्रोटीन का ये नहीं होता है, तब कुछ भी डालिए इसमें। टेस्टिंग टाइम दोस्तों, देखते हैं कैसा लगा। वैसे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे बेटे को अच्छा ही लगेगा, लेकिन देख लीजिए एक बार। हाय, मेरा खत्म हो गया बनाना। आप देखते हैं जिसके लिए मेन बनाया उसको कैसा लगा है। थोड़ा गर्म है ना, कैसा है, कैसा बनाया बताओ, मेरे व्यूअर्स को बताओ। टेस्टी, इज इट टेस्टी? And you know it is very much healthy, okay? Bye friends! Subscribe to our channel!